हेलो एवरीवन, बीएससी सेकंड ईयर के पिछले वीडियो तक हमने फीदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम फीदर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पंखों के प्रकार के बारे में। इन पिजन द फीदर्स आर वेरियसली मॉडिफाइड टू सर्व डिफरेंट फंक्शंस। तो कबूतर के अंदर पंख जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार से रूपांतरित होते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। दे मे बी फॉलोइंग काइंड्स, तो ये इस प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट आता है क्विल, और इसे कहते हैं फ्लाइट फीदर्स यानी उड़न पंख। द क्विल फीदर्स हैव ए शॉर्ट रैकिस, तो क्विल फीदर्स या उड़न पंखों के अंदर रैकिस जो होता है छोटा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है यानी मजबूत होता है इनमें, और शाफ्ट हैविंग बारब्यूल्स, और शाफ्ट के ऊपर बारब्यूल्स पाए जाते हैं विद एन इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट, जिनके अंदर अंतर्ग्रथन की व्यवस्था जो होती है ये इनके अंदर पाई जाती है। दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, यानी फ्लाइट फीदर्स जो होते हैं उनके प्रकार जो है इस प्रकार हैं। इनमें पहले आते हैं रेमिजेज, या इन्हें कहते हैं पंख पिच। द क्विल फीदर्स अकरिंग ऑन द विंग्स, जो क्विल फीदर होते हैं ये विंग्स या इनके पंखों के ऊपर पाए जाते हैं, एंड सर्विंग द पर्पज़ ऑफ फ्लाइट, और ये उड़ने के जो है पर्पज़ के लिए काम आते हैं। तो पक्षियों के उड़ने के लिए क्विल फीदर्स जो है इनके विंग्स के ऊपर पाए जाते हैं। आर कॉल्ड विंग क्विल्स, यानी इन्हें पक्ष पिच या विंग क्विल्स कहते हैं, यानी इनके पंखों के ऊपर पाए जाने वाले क्विल्स, या इन्हें कहते हैं रेमिजेज, और सिंगुलर वर्ड के अंदर के इनको कहते हैं रेमेक्स। इन रेमिजेज द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द वेन इज स्लाइटली ब्रॉडर देन द आउटर और एंटीरियर हाफ। तो रेमिजेज के अंदर जो पोस्टीरियर हाफ होता है यानी पश्च जो अर्धांश होता है जो कि इसके वेन का होता है यानी पिच फलक का होता है, ये थोड़ा सा अधिक चौड़ा होता है इसके बाहरी जो अर्धांश होता है, बाहरी और अग्र अर्धांश जो होता है उससे अधिक बड़ा जो है वो पाया जाता है, यानी चौड़ा भाग इनमें पोस्टीरियर हाफ जो है चौड़ा पाया जाता है। ईच विंग ऑफ पिजन हैज़ 23 रेमिजेज विच रिमेन अटैच्ड टू इट्स हाइंडर बॉर्डर। तो प्रत्येक विंग के अंदर जो कि पिजन के अंदर होता है इसमें 23 रेमिजेज होते हैं जो कि जुड़े होते हैं इसके पिछले बॉर्डर के साथ में। एट द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट डिजिट, यानी पोलक्स जो होता है पहली उंगली या पोलक्स हाथ का अंगूठा, आर अटैच्ड टू ए टफ्ट ऑफ फीदर्स कॉल्ड एला स्पूरिया और बास्टार्ड विंग। तो इसके एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर यानी इसका जो अग्र बॉर्डर होता है और ये इसकी फर्स्ट डिजिट के ऊपर यानी जो अंगूठा है हाथ का अग्रपाद का अंगूठा ये इससे अटैच होता है एक टफ्ट ऑफ फीदर्स, यानी एक पंखों का या परों का जो टफ्ट या उत्फुलन होता है ये पाया जाता है जिसे एला स्पूरिया कहते हैं, या इसे आभासी पक्षक कहा जाता है, या इन्हें कहेंगे बास्टार्ड विंग्स जो है इनके एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर पाए जाते हैं जो कि फर्स्ट डिजिट के साथ में जुड़े हुए होते हैं। फ्लाइट फीदर्स के अंदर दूसरे आते हैं प्रकार, इन्हें कहते हैं रेक्ट्रिसेज या पुच पिच कहा जाता है। द क्विल फीदर्स अक्रिंग अराउंड द यूरोपाइजियम टू फॉर्म द टेल ऑफ पिजन आर कॉल्ड टेल क्विल्स और रेक्ट्रिसेज। तो ऐसे क्विल फीदर्स जो पाए जाते हैं कबूतर के अंदर उसकी पूंछ भाग के चारों ओर या पूंछ के अंदर जो है पाए जाते हैं यानी यूरोपाइजियम के पास में, और इन्हें जो है कहा जाता है टेल क्विल्स यानी पुच्छ के अंदर पाए जाने वाले क्विल्स, या इन्हें रेक्ट्रिसेज कहते हैं या पुच्छ पिच कहा जाता है। इन पिजन 12 लॉन्ग रेक्ट्रिसेज आर अरेंज्ड इन सेमी सर्कल और फैन लाइक मैनर ऑन द टेल और यूरोपाइजियम।
तो कबूतर के अंदर 12 लंबे रेट्रिसेस पाए जाते हैं जो कि व्यवस्थित होते हैं एक अर्धवृत्ताकार व्यवस्था के अंदर, और ये एक पंखे के समान दिखाई देते हैं, और जो इसकी टेल के ऊपर होते हैं या यूरोपाइजियम के ऊपर पाए जाते हैं। इन रेट्रिसेस टू हाउज ऑफ द वेन आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज। तो रेट्रिसेस के अंदर जो वेन या पुच पिच फलक जो होते हैं, इनके जो अर्धांश पाए जाते हैं इनमें, ये लगभग एक समान होते हैं, यानी इसकी रैकिस के दोनों ओर जो फलक पाए जाते हैं वो दोनों ही बराबर होते हैं, बाकी जो फीडर्स के अंदर है वो असमान होते हैं, अनइक्वल पाए जाते हैं। द रेट्रिसेज एक्ट एज अ ब्रेक इन एलाइटिंग एंड एज ए रडर इन वर्टिकल और लेटरल स्टीयरिंग। तो ये जो रेट्रिसेज इनके अंदर पाए जाते हैं जो कि पूंछ के ऊपर उपस्थित होते हैं, ये इनके मतलब उड़ान के समय उतरते वक्त ये एक ब्रेक का कार्य करते हैं और एक रडर या परिचालन का भी कार्य करते हैं जो कि इनके वर्टिकल या लेटरल यानी पार्श्व रूप से इनको मुड़ने के लिए या वर्टिकल मुड़ने के लिए इन्हें एक प्रकार से स्टीयरिंग का कार्य ये करता है। तीसरा इसके अंदर प्रकार आता है जिसे कॉवर्ट्स कहा जाता है या इन्हें कहते हैं आच्छादी पिच। द क्विल फीदर्स कवरिंग द बेस ऑफ विंग क्विल्स एंड टेल क्विल्स आर कॉल्ड कवर्स। तो ऐसे क्विल फीदर्स जो कवर करते हैं इनके विंग क्विल्स और टेल क्विल्स जो होते हैं उनके आधार के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कवर्स या आच्छादी पिच। द बेसेज ऑफ विंग क्विल्स आर कवर्ड बाई सेवरल रोज ऑफ अपर एंड अंडर विंग कवर्स। तो इनके जो बेस होते हैं विंग क्विल्स के, ये कवर होते हैं जिसमें कई कतारें पाई जाती है जिनमें अंडर विंग कवर्स यानी विंग पंख के नीचे पाए जाने वाले आच्छादी पिच इनके अंदर पाए जाते हैं पंक्तियों के अंदर। एंड द बेसेज ऑफ द टेल क्विल्स बाई अपर एंड अंडर टेल कवर्स, और ये पाए जाते हैं टेल क्विल्स के आधार के अंदर जो कि इसके ऊपर तथा निचले टेल कवर्स के पास में होते हैं। दे आर ऑफ स्मॉलर साइज देन द क्विल फीदर्स। इनका जो आकार होता है ये क्विल फीदर्स की अपेक्षा छोटा होता है, बट बोथ आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। लेकिन दोनों ही प्रकार के फीदर्स की जो संरचना होती है वो लगभग एक समान ही इनके अंदर पाई जाती है। दे क्लोज द इंट्रिसेज बिटवीन द कैलेमसेज ऑफ रेमिजेज एंड रेक्ट्रिसेज एंड दस प्रेजेंटिंग अ कंटिन्यूअस एरिया टू अपोज द बोयेंसी ऑफ द एयर। तो ये जो है जो अंतराल पाए जाते हैं इनके मध्य जो कि क्विल्स के मध्य तथा जो कि रेमिजेज के क्विल्स होते हैं और रेक्ट्रिसेज के बीच में, इन अंतरालों के अंदर जो है ये पाए जाते हैं यानी इन अंतरालों को ये भरते हैं, और इस प्रकार से ये एक कंटिन्यूअस एरिया या सतत एरिया का निर्माण करते हैं जो कि वायु की जो उत्प्लावकता होती है उसको कम करने के लिए इस प्रकार का सतह जो है वो पाई जाती है इनके अंदर एक सतत प्रकार की। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ इसके अंदर, इन्हें कहते हैं कॉन्टूर्स या आकृति पिच। द क्विल फीदर्स फॉर्मिंग द जनरल कवरिंग ऑफ बॉडी आर कॉल्ड कॉन्टूर्स। तो इस प्रकार के क्विल फीदर्स जो कि सामान्य सतह का आवरण बनाते हैं ये कहलाते हैं कंटूर फीदर्स। दे आर स्मॉलर एंड वूली फीदर्स, ये छोटे होते हैं और ऊन जैसे ये पंख पाए जाते हैं। हैविंग पुअरली डेवलप्ड बार्ब्यूल्स, इनके अंदर बहुत ही कम विकसित बार्ब्यूल्स पाए जाते हैं ड्यू टू विच बार्ब्स कैन बी इजीली सेपरेटेड, और इसके कारण जो बार्ब्स होते हैं इनके अंदर वो आसानी से अलग अलग रहते हैं क्योंकि इनमें बार्ब्यूल्स कम विकसित हैं, तो इनमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है, इसलिए ये जो बार्ब्स होते हैं इनमें ये बार्ब्स आसानी से खुले हुए
और अलग अलग पाए जाते हैं, जिससे ये ऊन जैसे दिखाई देते हैं। दीज प्रोवाइड वार्म्थ एंड द स्मूथ एयर फ्लो विदाउट टर्बुलेंस। तो ये जो होते हैं कंटूर्स, ये शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, यानी शरीर को गर्म रखते हैं, और जो इनके शरीर के ऊपर एयर फ्लो होता है उसको स्मूथ या एक समान बनाए रखते हैं, और इनके कारण जो है किसी भी प्रकार का टर्बुलेंस जो है इनकी उड़ान में या विक्षोभ जो है ये उत्पन्न नहीं होता है। तो इस डायग्राम के अंदर फ्लाइट फीदर्स जो पाए जाते हैं कबूतर के अंदर, उनकी व्यवस्था या अरेंजमेंट के बारे में जो है दिखाया गया है। तो इनके जो विंग फीदर्स होते हैं, ये प्राइमरी रेमिजेज या इन्हें मैनुअल्स कहते हैं, जो कि ये यहाँ तक जो है 11 जो है यहाँ तक इसके अंदर उपस्थित होते हैं, और ये बाद में उपस्थित जो 12 से लेकर 23 तक होते हैं इन्हें क्यूबिटल या सेकेंडरी रेमिजेज कहा जाता है। तो ये सभी जो है पंख के ऊपर जितने भी उपस्थित हैं ये रेमिजेज होते हैं या इन्हें विंग फीदर्स कहा जाता है। इसके बाद में जो ये रेट्रिसेज होते हैं इन्हें टेल क्विल्स जो कहते हैं, ये इनमें इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार स्थिति के अंदर पाए जाते हैं, और इनके मध्य में कवर्ड्स पाए जाते हैं जो कि इनके बीच में पाए जाने वाले खाली स्थानों को ये भरते हैं। तो इनके अंदर फ्लाइट फीडर्स की व्यवस्था इस प्रकार से इनमें पाई जाती है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।